तो इसका बताओ ये दुगना नहीं है? एक और छोटा सा चीज शॉर्ट में समझाते हैं, इसका रेशियो 1:2 है ना, 1:2, बस इसको उलट के इधर रख दो तो हो जाएगा 2:1। आया समझ में? समय के अनुपात को उल्टा कर दें तो वो बन जाएगा काम का अनुपात, जैसे हम बताए थे आपको बोट एंड स्ट्रीम में, ये वाला कि यहाँ समय के अनुपात को अगर लिखा है यहाँ पे 3:2, तो ये उल्टेंगे तो 2:3, और ये डाटा किस चीज का बन गया? चाल का। बस वही काम यहाँ पे भी, समय को उल्टा करेंगे तो काम, और काम को उल्टा करेंगे तो समय। मतलब क्या उल्टा करना है? रेशियो को उल्टा करना है, ठीक है? तब 2 गो में तो उल्टा करना बहुत आसान है, 3 गो में कैसे उल्टा करेंगे? तो आगे चलेंगे उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है? चलो, ये याद है ना आपके बोट एंड स्ट्रीम का सेकंड नंबर टाइप। इसकी अगर बात करें तो ये उल्टा जब लिख दिए तो बस आमने सामने गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा। जैसे इसमें देखो ना, इन दोनों का गुना ही तो लिखा हुआ है, इन दोनों का गुना, तो इस हिसाब से यहाँ पे एलसीएम क्या बन रहा है? पच्चीस। क्लियर हुआ? ये काट के ऐसे लिखे, समझ में आया? यस सर। अब इसके हिसाब से बताओ, दोनों मिलकर 3 काम करेगा तो आंसर 25/3, जिसको आप लिख सकते हैं 1:1। फिनिश। चले दूसरे टाइप पे। पहले टाइप से रिलेटेड आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, अगर आप बनाए हो कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो। चार मिलाकर 9, तो एक 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 यूनिट में मतलब 3 दिन, तो हम सिंपल लिखेंगे 36/9। अच्छा, एक और छोटा सा चीज बता रहे हैं, इसको भी स्किप कर सकते हो लिखना, जो लिख रहे समझा रहे हैं, अगर आप समझ गए तो इसको स्किप कर सकते हैं। स्किप करने का मतलब ना भी लिखें, तो यहाँ से 9 है तो 36/9, और जोड़ा लगाएंगे हम लोग 9 चौके 36। अच्छा, अगर 3 आदमी है तो 3 दिन का काम, और अगर 2 आदमी होता तो 2 दिन का काम, तो इस हिसाब से 4 किया 12 दिन। सर, ये सेकंड में बी काम में लग गया, 10 दिन बाद बी काम में लग गए, तो 10 दिन बाद मतलब ये वाला टाइप नहीं है, ये बारी बारी तो नहीं ना है, ये थर्ड टाइप में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ तक समझो। अच्छा, डाटा इसका एलसीएम 60, 10 से कितना? 15 से। अभी बताओ 10 से तो बी का काम बोला था, बी का ही उठा के रखोगे ना? यस सर। तो 3 4 6, 6 4 10 3 13। देखो जोड़ने में तो 13 ही आएगा, एबीसी हो, बीसीए हो या कुछ भी हो, लेकिन बाकी का बचा हुआ काम कौन करेगा उसमें प्रॉब्लम होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं 1 2 3, 3 दिन का काम हो गया। अच्छा, इधर नहीं लिख के इधर लिख देते हैं जी, इधर का कितना काम हो गया? 3 दिन का। इसका काम कितना? टोटल 13 13 का, तो हम लिखेंगे 60/13। इसके लिए भी तो लिखेंगे 60/13 ही, इसके लिए भी लिखेंगे 60/13, लेकिन डिफरेंस कहाँ होगा? तो आगे वाले पॉइंट पे। इसमें भी 3 दिन का काम, इसमें भी 3 दिन का काम, कि 2 दिन का काम? 2 दिन नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 दिन का काम होगा। बीसी पहला दिन किया और ए दूसरा दिन किया, तब काम तो 2 दिन, लेकिन टोटल काम की बात करें तो 13 हुआ होगा। अब जरा जोड़ा लगाओ, 13 से 13 चौके 5 से तो ज्यादा हो जाएगा, 13 चौके 52, एक जोड़ा में 3 दिन तो 4 जोड़ा में 12 दिन। पहला पॉइंट क्लियर है? 13 चौके 52 काम हो गया, ध्यान से देखना नहीं तुम, क्लियर हो रहा है तुम्हारा? 52 काम में बचा कितना? अच्छा, इसको कौन करने जाएगा? कौन जाएगा? अब नंबर बी का आएगा, तब बी कितना करता है? घटे तो घटा दो, अब तो कितना बचा? 5। अब कौन करने जाएगा?
इसको काम करना कितना है, तो घाटे तो घटा, अब कितना बचा, इसको कौन करने जाएगा, ये कितना करता है, तो बटा होगा क्योंकि घटेगा। बहुत सिंपल है, ये जब गया तीन काम किया तो एक दिन का समय लगा, फिर जब ये गया तो फिर एक दिन का समय लगा, और ये जब गया तो 1/6 का समय लगा। अब आप इसको 13, 14 और 14 पूर्णांक 1/6 दिन आंसर हो गया। कोई दिक्कत? इसके लिए देखो हम शॉर्ट में चलते हैं, ज्यादा नहीं लिखेंगे। 13 से यहाँ पे भी 4 जोड़ा, तो 4 जोड़ा में कितना बचा, 8। अब कौन करेगा, सी, तो सी कितना करता है, तो -4, 4 पे और 4 बचा, फिर कौन करने जाएगा, बी कितना करता है, फिर से 3 काम, तो फिर कितना बचेगा, और ये एक काम के लिए बन जाएगा 6/6। फिर से देखो ना, 13 चौके 52 था ना, तो 4 × 3 तो 12, यहाँ से ये वाला डाटा और यहाँ से ये वाला डाटा और यहाँ से ये वाला डाटा 1/6, इसका भी आंसर हो जाएगा 12, 13, 14, 14 × 1/6। सी और बी, पहले सी गया फिर इसीलिए वैल्यू नहीं थी, कोई बात नहीं। इसमें देखो आंसर आ जाएगा, 13 से कितना जोड़ा, 4 जोड़ा, एक जोड़ा में कितना है, दो है ना, तो 8। अब ये बताओ कि यहाँ से 13 × 52 माइनस होने के बाद कितना बचा, इसको करने जाएगा सिर्फ बी के सी के साथ, सी और बी मिलकर कितना करता है, तो सी और बी मिलकर देखो 7 काम करता है, 7 घट सकता है, घटा देते हैं, एक काम को फिर कौन जाएगा, कितना करता है, 1/6, इसको करने में एक दिन का समय और इसको करने में 1/6 का समय, 8 और 1, 9 पूर्णांक 1/6। ये टाइप एकदम क्लियर हो रहा है, बैठ रहा है, इसको बनाने के लिए भी कुछ नहीं करना है, एक दिन का कितना दे, ए और बी मिलकर काम करे तो 9 काम हो रहा है, ए और सी मिलकर काम करे तो 10 काम हो रहा है, इसका मतलब 60/19 काम हो रहा होगा। देखो ना, मिलकर 19 काम ही करेगा ना, 19 से काटे तो 3 जोड़ा जोड़ा लगाना है आपको, एक जोड़ा में कितना दिन होता है, तो 2 जोड़ा में 6 दिन। अब ये 6 दिन का काम और कुछ बचेगा तो बचेगा 3 का, अच्छा देखो ना, 60 × 19 से तो कितना आ जाएगा, 57। इस 3 काम को करने ए बी जाएगा कि ए सी, ए बी, अगर ए बी जा रहा है तो 9 काम करने वाला तो 9 माइनस हो सकता है, तो बटा हो जाएगा, तो 1/3 और यहाँ पे जोड़ देंगे 1/3, 6 × 1/3 दिन। सर कोई ऐसा पॉइंट जो कि ना समझ में आ रहा हो बताइए मुझसे, बात करते हैं, इतना सारा प्रैक्टिस करा दी, ठीक है, चले। मिटा दे इसको, यस सर, छापना है, यस सर।